गोवर्धन में गिरिराज जी परिक्रमा मार्ग में 24 घंटे के लिए अखंड भंडारे का शुभारंभ हुआ। गिरिराज धाम गोवर्धन में कार्तिक बड़ी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा गोवर्धन कस्बा और पूर्वोत्तर कोसिया परिक्रमा मार्ग गिरिराज महाराज के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर चैतन्य गोठिया मठ के मुख्य सेवक अनंत दास प्रभु द्वारा अखंड भंडारे का शुभारंभ किया गया। अखंड भंडारे में पहले दिन कढ़ी चावल कचौड़ी आलू की सब्जी एवं बेदी का प्रसाद वितरण किया गया। अनंत दास द्वारा बताया गया कि यह भंडारा प्रतिदिन चलाया जाएगा। चैतन्य गोठिया मठ के सामने अखंड भंडारे का शुभारंभ किया गया। यह बारह मास 24 घंटे चलता रहेगा। अनंत दास प्रभु ने कहा कि गिरिराज धाम में ऐसा भंडारा नहीं है जहाँ गिरिराज महाराज के भक्त किसी भी समय प्रसाद ग्रहण कर सके। गुरुदेव की कृपा से अब गिरिराज महाराज के भक्तों और परिक्रमार्थियों को अब भगवान की प्रसादी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। चैत्य गोठिया मंत्र के सामने भक्तों को प्रसाद बांटा जाएगा। उन्होंने कहा, जीवर सभ्रो भाई कृष्ण नित्य दास, यानी हर जीव कान्हा की दास है, इसलिए कान्हा के दास की सेवा करनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अखंड भंडारे का शुभारम्भ किया गया। अजय ठाकुर, मथुरा समाचार 24। इतिहास के अंदर है श्री चैतन्य गौड़िया मठ। ये हमारे गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्टा विष्णु बापा महंतेश्वर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बनाया था। ये गोवर्धन है जो कृष्ण जी ने उंगली पर उठाया था। यहाँ पर महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे 12 महीने 30 दिन हर समय कोई भी व्यक्ति 10 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, 1,00,000 आदमी और 1,00,00,000 भक्त, जो भी कोई यहाँ से आएगा बिना महाप्रसाद पाए नहीं जाएगा। फ्री में सबको प्रसाद दिया जाएगा और यहाँ पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर कमरे भी हैं, गर्मियों में एसी वाले कमरे हैं ठहरने के लिए, और सर्दियों में डीजे भी लगा हुआ है, रजाइयाँ भी हैं, सब कुछ है। आपने अकेला भजन करना है बस। नोएडा पुलिस ने